साथियों नमस्कार, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे इस एक्यूप्रेशर थेरेपी की जो हम लोग ने कड़ी शुरू किए हैं, जो हमने एपिसोड शुरू किए हैं, उसे आप निश्चित तौर से बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, साथ साथ में आप प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। साथियों उसी कड़ी में पंचम कड़ी आज हम लोग पांचवा भाग देखने जा रहे हैं, सादृश्यता के सिद्धांत का, सुजोग एक्यूप्रेशर। साथियों एक्यूप्रेशर के बारे में मैंने बात कही थी, एक्यू और प्रेशर ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक्यू का अर्थ होता है सूक्ष्म बिंदु, सूक्ष्म बिंदु मतलब बहुत छोटा सा ऐसा स्थान, बिल्कुल सूक्ष्म भी हो सकता है, जो सूर्य की नोक की तरह हो सकता है। और प्रेशर मीन्स होता है अप्लाई फोर्स, अर्थात शरीर के सूक्ष्म बिंदुओं पर दबाव देकर उपचार करना एक्यूप्रेशर है। और एक्यूप्रेशर के एक प्रकार जिसे हम लोग सुजोग थेरेपी कहा है, प्रोफेसर पार्क ज्यू ने जिस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया हुआ है, सुजोग एक्यूप्रेशर। सु मीन्स हाथ की हथेली और जोग मीन्स पैर का तलवा, अर्थात हाथ की हथेली और पैर के तलवे के सादृश्य बिंदुओं पर उपचार करना सुजोग एक्यूप्रेशर है। तो साथियों सुजोग एक्यूप्रेशर में हमने सबसे फर्स्ट उसके अर्थ, परिभाषा, इतिहास सब कुछ चर्चा किया, और जो सादृश्यता का कोरोस्पोंडेंस, जो सादृश्यता के सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले हमने अंगूठा, जो हमारा सिर का रिप्रेजेंटेटिव है, हमने देखा उसको। और उसके साथ ही साथ अगला जो क्रम है गले वाले भाग, वो गले का भाग हमने इस जो आपके अंगूठे की सेकंड पोर जिसे कह सकते हैं, ये इस भाग में हमने इसको देखा है। और इसके साथ साथ जो हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग लंग्स है, जैसे सीने वाला भाग उभरा है, वैसे देखिए हमारे हाथ के हथेली में ये वाला भाग भी हमारा उभरा हुआ है। तो ये जो हमारे हाथ की हथेली वाला ये वाला भाग है, ये हमारा लंग्स का कोरस्पोंडेंस है। और इसी में साथियों हमने कहा था ये लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन को हमने कहा था ये हमारा डायफ्राम का काम करता है यहाँ पे। तो यहां तक तो हमने आपके फोर्थ एपिसोड तक हमने देखा इसमें कि यहाँ पे कोरोस्पोंडेंस है। इस कोरोस्पोंडेंस यदि कफ कोल्ड या अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो तो आप ऑरेंज कलर का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसी कड़ी को यदि आगे और बढ़ाया जाए नेक्स्ट क्रम में, तो सबसे पहले अगर अभी तक तो आप लोग जितना किए हाथ को इस तरफ रखे हैं सामने फ्रंट की ओर, कभी भी हाथ को अपने तरफ ऐसे करके देखिए, देख तो सकते हैं, ऐसे कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे करने पे ये उल्टा दिखाई पड़ेगा। ऐसे करने पे आपको राइट जो है राइट साइड होगा और लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट साइड दिखाई पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर राइट लंग्स कहें तो मेरा राइट हैंड ये है, राइट हैंड मेरा, अगर राइट हैंड है तो राइट हैंड में राइट हैंड हमारा इधर होगा, किधर होगा, राइट साइड। और लेफ्ट हैंड जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड का जो राइट साइड है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड आप इस तरह से देख सकते हैं, मतलब राइट साइड जो है वो राइट होगा और लेफ्ट साइड है वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कोरस्पोंडेंस। मैं इस पे और चर्चा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के इस कड़ी में जो हम लोग देखने वाले साथियों वे है कि आपका हाथ और पैर का सादृश्य कहाँ है, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने हाथों को आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसा किया है, अगर मेरे हाथ की हथेली अगर इसमें इस तरह से रखता हूं और इस अंगूठे को क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं, देखिए इस तरह से कैसा हो गया, जैसे ऊपर जो हमारा ये वाला हेड का है तो हमारा सर वाला भाग टॉप में है, और नीचे जो आप जब किसी जमीन पे खड़े होते हैं तो आपका दो पैर, जब आप चलते हैं, आप कल्पना कीजिए आप चल रहे हैं, तो चलते समय क्या होता है, आपका दो पैर जमीन पे होता है और दो हाथ अगल बगल में क्या होता है, वो हिल रहा होता है। तो आपका ये दो पैर है और बगल का ये दो क्या आपका है, दो हाथ है, और ऊपर ये आपका सर वाला भाग है। बीच वाले भाग की बात चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आज इस कड़ी में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, ये आपका ये दो पैर है और ये दो आपका हाथ है। अच्छा, ये दो पैर और दो हाथ आप हमारी स्लाइड में भी देख पाएंगे आप, तो ये दो पैर और ये दो हाथ, इन हाथ और पैरों को हम कैसे राइट और लेफ्ट कैसे निकालेंगे, इसी को हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कोरस्पोंडेंस रूप में अभी चर्चा किया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्राइमरी और सेकेंडरी उसे कहते हैं, प्राइमरी जब हम अपने बॉडी को एक सीधी लाइन में एक रेखा खींच दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ऊपर से लेकर के नाक के कोरस्पोंडेंस लेकर सीधा एक राइट और एक लेफ्ट वाले भाग कर दें,
तो राइट का एक कोरस्पोंडेंस और लेफ्ट का सेकेंडरी कोरस्पोंडेंस। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी कब कहा जाएगा, इसके लिए एक निश्चित तौर से प्रक्रिया है, जब किसी अंग का सादृश्य, किसी अंग का सादृश्य मतलब लाइक दिस फॉर एग्जांपल के लिए हार्ट, किसी अंग का सादृश्य उसके वास्तविक स्थिति, शरीर में उसके वास्तविक स्थिति के अनुसार उसी हाथ पे निकाला जाए। फिर से सुन लीजिए, जब किसी अंग का सादृश्य उसके वास्तविक, वास्तविक मतलब जिधर है, वास्तविक स्थान के अकॉर्डिंग, इस वास्तविक जो उसके जो सादृश्य है, वास्तविक सादृश्य जिधर है वो उसी तरफ के हाथों में जब निकाला जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट है तो हार्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट हाथ लीजिए, और लेफ्ट हाथ में लेकर के आप जो है लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड भी आप निकालते हैं, दैट इज ए प्राइमरी। और मान लीजिए लीवर हमारा राइट साइड है, तो राइट साइड का मतलब प्राइमरी कहां पे आएगा, क्योंकि राइट साइड है, वास्तविक स्थिति शरीर में किधर है, दायां तरफ है, तो दायां हाथ दीजिए ना उसके लिए आप। और दायां हाथ में जब दायां तरफ, दायां हाथ में ही अगर आप, अभी हाथ को मैंने आपको इस तरह से करने कहा था, जो राइट साइड जब निकालेंगे तो भी होगा आपका प्राइमरी कोरस्पोंडेंस। तो शरीर की वास्तविक स्थिति, अंगों की वास्तविक स्थिति के अकॉर्डिंग उसके सादृश्य को शरीर में हाथों में उसी तरफ जब निकाला जाए उसे कहेंगे प्राइमरी। और जब उसके उल्टा निकाल दिया जाए तो जैसे हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है, अगर राइट हैंड में देखा जाए तो दैट इज ए सेकेंडरी, उसको सेकेंडरी कहेंगे। साथियों मैंने पहले भी कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़ा सा अंतर होता है, प्राइमरी क्विकली काम करता है और सेकेंडरी में थोड़ा समय लग जाता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा लीजिए, अगर आप आधे घंटे लगाते हैं तो 45 मिनट लगा लीजिए, आपको काम हो सकता है, कार्य हो सकता है, तो इस प्रक्रिया को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा है, ये दो पैर और ये आपका बगल में जो मिल रहा है, ये दो अगल बगल में ये दो हाथ है। अब इसके अकॉर्डिंग साथियों देखा जाए तो आपका दायां पैर और दायां हाथ, राइट लेग और राइट हैंड, वैसे ही लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड कौन कौन सा होगा इसे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा राइट हैंड इधर है। अगर मैं आपको इसी को लेफ्ट हैंड में दिखा दूं, आपको ये दो पैर और दो हाथ, तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मुझे बताइए कि आपका इसमें लेफ्ट लेग कौन सा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा है, हाथ को सामने ऐसे रखना पड़ेगा, कभी ऐसे मत रखिएगा, ध्यान रखना है आपको। हाथ कैसे रखेंगे आप, इस तरह से रखेंगे आप, जब ऐसे रखेंगे तो मेरा ये राइट साइड है, तो निश्चित मानिएगा कि ये दो पैर है तो राइट साइड होगा वो राइट लेग होगा और लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट लेग होंगे। ये लेफ्ट लेग है तो निश्चित तौर से है लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट लेग है। और दूसरा अगर लेफ्ट हैंड कहा जाए तो निश्चित तौर से मानिएगा कि ये इंडेक्स फिंगर है, क्योंकि लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड निश्चित तौर से इस ये वाला पार्ट होना चाहिए, और राइट, राइट का निश्चित तौर से राइट हैंड है। तो बहुत सिंपल है साथियों, उसी तरह अगर राइट हैंड में ले तो राइट का राइट साइड, क्योंकि मेरा राइट हैंड है, राइट का राइट साइड जो राइट साइड है अर्थात मिडिल फिंगर राइट लेग एंड इंडेक्स फिंगर राइट हैंड है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा दो हाथ और दो पैर का सादृश्य हम लोग सामान्य क्रम में मिला सकते हैं। साथियों ये दो पैर और ये दो हाथ है जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, अब इसके हम लोग क्या है जॉइंट्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने बताया था कि हाथ में 3 जॉइंट है और पैर में भी उतना ही 3 जॉइंट्स है। अब जॉइंट्स कौन कौन से पहले देख लीजिए, यदि हाथों में देखें सबसे फर्स्ट हाथ का देख लेते हैं। हाथ में आपका ये आपका कलाई है, रिस्ट जॉइंट, एंड ये केहनी है और ये आपका कंधा है। अगर मैंने राइट हैंड की बात कही तो राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का राइट हैंड इंडेक्स फिंगर क्यों है आपको पता तो है ना, मैंने कहा ये सीधा रखेंगे तो आपका दो पैर और ये दो हाथ है तो राइट साइड है, इसलिए राइट हैंड है। तो ये ऊपर वाला भाग, ये जो फर्स्ट ज्वाइंट है, ये आपकी कलाई है, जैसे आप हमारे इस प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये बीच वाला भाग जो है राउंड सर्कल में, ये हमारा कौन सा केहनी वाला भाग है, एल्बो ज्वाइंट है। और शोल्डर ज्वाइंट जो हमारा सबसे नीचे वाला भाग जो बॉडी से टच है, देखिए बॉडी से टच है, ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट है। सेम वैसे ही आप पैर में देख सकते हैं, लेकिन हाथ में भी ध्यान रखिए ये सामने इन साइड है, पीछे वाले को हम लोग यांग साइड कहते हैं, इन मीन लाइट वाला पार्ट और यांग मीन्स ये आपका डार्क पार्ट, डार्क मतलब खुला वाला भाग और इन का मतलब है छिपा हुआ भाग, जो छिप जाता है जहां रोशनी नहीं होती, दैट इज ए इन, और जो ओपन एरिया है उसे हम लोग यहां कहते हैं।
जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है। साथियों अगर पैर में देखा जाए तो सबसे नीचे जो होती है हमारा वो होता है एंकल ज्वाइंट, उसके बाद नी ज्वाइंट और थर्ड नंबर जो हमारे हीप है जिसे हीप ज्वाइंट कहते हैं। वैसे ही अगर पैर में देखा जाए सबसे नीचे अगर ये पैर के तलुआ है तो निश्चित मानिए कि ये वाला पार्ट, अगर राइट लेग देखा जाए तो राइट हैंड के राइट लेग में ये वाला राइट लेग है, दाया पैर है, तो आप इसी में आप अगर मान लें तो ये वाला हमारा जो है एंकल ज्वाइंट और ये हमारा नी ज्वाइंट, पूरे राउंड सर्कल ले लीजिए, और ये हमारा जो है ऊपर जो है ये हमारा आपका हिप ज्वाइंट है। तो साथियों हाथ और पैरों दोनों में आपने देख लिया इस ज्वाइंट को, यदि किसी व्यक्ति कोई प्रॉब्लम हो इसी कोरोस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पैर में कुछ डिफरेंट है, पैर में क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है, पर ध्यान सावधानी देखना। और आप हमारी ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन में आपको स्पष्ट दिखाने का प्रयास करूंगा कि आपका पैर चूंकि सामने वाला ये पूरे पूरे पार्ट हमारे यहाँ से ले कमर तक का नाभि से नीचे तक का भाग का पेड़ू तक का भाग हमारा इन पार्ट है, जबकि पीछे वाला यांग है। जबकि पैरों में जब देखा जाएंगे यहाँ से नीचे का पार्ट सामने वाला जो यांग होता है पीछे इन है, चूंकि हाथ में ऐसा नहीं, हाथ में पूरे यहां से लेकर नीचे तक पूरे इन है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब ये जो हाफ लेग में जब आएंगे बोथ लेग में, हैंड तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाथ तो ऐसे रखेंगे तो पूरा इन साइड बनता है ये, और यांग साइड बैक साइड में है, लेकिन पैरों में ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा पैरों में क्या है, पैरों में जो सामने वाला पार्ट, क्योंकि पैर को घुमाकर सेट किया गया है यहाँ पे, क्योंकि पैर का जो सामने फ्रंट वाला भाग है, देखिए पैर को अगर जब मोड़ के देखिए, जब मैं पैर किधर मुड़ता है, आगे मुड़ रहा है या पीछे की तरफ, देखिए ये आगे की तरफ मुड़ रहा है, जो कि पैर आगे की तरफ नहीं मुड़ता पीछे की तरफ मुड़ता है। इसका मतलब इसको आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तब एक चल होगा, लेकिन वैसा नहीं है, घुमा तो सकते नहीं हम लोग, तो क्या करें आप, आपको आपको क्या है, आप माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमारा बैक पार्ट है, ये पैर का कौन सा पार्ट है, हमारा पिछला वाला भाग है, हमारे जो पैर है पैर के जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला भाग है, और फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है, हमारा यहां से नीचे तक का पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि आपके दायां पैर के घुटने के सबसे टॉप वाला पार्ट में दर्द है, अगले भाग में दर्द है, ऊपर की तरफ दर्द है, यांग साइड पेन है, तो मैंने कहा था कि ये वाला तो यांग साइड है और ये पीछे वाला भाग कौन सा हमारा, ये वाला भाग इन साइड है। तब दायां पैर पहले तो आप हाथ को ऐसे रख लीजिए राइट हैंड को, या लेफ्ट हैंड रखेंगे तो लेफ्ट हैंड को ऐसे रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हाथ रख लीजिए। अगर राइट है तो प्राइमरी के अकॉर्डिंग आपको राइट हैंड ही चूज करना चाहिए, अगर लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड चूज करना चाहिए। लेकिन एक चीज और बात ध्यान रख ली, प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने कहा अगर सेंटर से अगर कट करें तो राइट साइड और एक लेफ्ट साइड बनता है, तो राइट का राइट साइड जो ट्रीटमेंट है प्राइमरी, लेकिन ऊपर और नीचे भी दो भागों में डिवाइड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। कहीं कहीं पे लोग जो डायफ्राम्स के ऊपर वाले भाग को प्राइमरी और नीचे भाग को सेकेंडरी, अपर एंड दो भागों में डिवाइड करता है। अगर ऊपर के बॉडी पार्ट का कोई ट्रीटमेंट देना है तो ऊपर के हाथों में दीजिए, अगर नीचे के पार्ट का ट्रीटमेंट देना है तो नीचे पैर में दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि बॉडी को सेंटर भाग में अगर सामने से डिवाइड किया है तो ऊपर से नीचे भी सेंटर भाग में डिवाइड किया जाना चाहिए। तो नाभि हमारा सेंटर पार्ट होता है। आयुर्वेद में लिखा है कि प्रत्येक इंसान अपने उंगलियों के अकॉर्डिंग, अगर उंगली से ऐसा नापे आप तो 96 अंगुल है, 96 अंगुल है, और वो 96 जो अंगुल है उसका जो सेंटर पार्ट पड़ता है वे आपका क्या होता है, आपका नाभि होता है। इसलिए नाभि के नीचे जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट पैर में दिया जाए, दैट इज प्राइमरी, और ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम उसका आप ट्रीटमेंट हाथों में दीजिएगा, ये प्राइमरी होगा। चूंकि पैर के तलवे में मैग्नेट लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, दबाव तो दिया जा सकता है चूंकि वो हार्ड होता है वहां का मसल्स, इसलिए हाथों में आसानी से हम उस प्रयोग कोरोस्पोंडेंस को ढूंढ सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको चर्चा ये बता रहा था कि आप पैर में लगाइए, लेकिन आप अभी सीखिए हाथों में, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी पैर की प्रॉब्लम हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, तो पैर की उंगलियों पे ट्रीटमेंट दीजिए, ये वेरी फास्ट और क्विकली काम करने वाला है। तो क्या करेंगे आप, एक काम कर लीजिए, आपका ये है, आप देखिए इसमें अगर दो पैर है आपका, देखिए दो पैर आपने इस तरह पकड़ लिया, अब बताइए दोनों पैर में अंगूठा किधर होगा। सामान्य क्रम में खड़े हो जाइए, अब खड़े होकर दोनों पैर को आप बैठे हैं जैसे हैं, मिलाकर देखिए पैर किधर, अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है। देखिए सिंपल ऐसे रखेंगे, पैर ऐसा ही है तो दोनों अंगूठा अंदर की तरफ है ना, लेकिन मैंने कहा था कि पैर को आपको ऐसे घुमाना है क्योंकि यांग को इन में कन्वर्ट करना है। तो आप जब सामने ही रखेंगे, देखिए ऐसा ही है क्योंकि ये इन साइड हो गया, मैंने कहा इसको ऐसे घुमा करके आप सीधा घुमा करके उल्टा कर दिया आपने,
तो ये वाला भाव होगा, तो अंगूठा इसके निश्चित मानी इस किनारे में होगा और एक दूसरे पैर का भी अंगूठा इस किनारे, मतलब अंदर की तरफ छोटी उंगली आ जाएगी यहाँ पे, आप हमारे इस पीपीटी में देख लीजिए आप, क्योंकि इसको घुमाया गया है ऐसा। जब भी अंगूठे का ट्रीटमेंट देना है आपको, आपको क्रोसकोनस लगाना है तो आपको आउटसाइड लगाना होगा, अंदर की तरफ नहीं, तब एक्चुअल होगा, अन्यथा आपको उसको ढूंढने में और उसको ट्रीटमेंट करने में कहीं आपके लिए क्या है दिक्कतें हो सकती है। तो साथियों ये आपका पैर वाला पार्ट जिसको मैंने आपको बताया है, निश्चित तौर से आप समझे होंगे, वैसे ही आपका नीचे ही ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो तो या आप इस वाले पार्ट में सिंपल सा मेथी पट्टी लगाइए ना, मैं तो कहता हूँ ट्रीटमेंट जरूर बताऊंगा, लेकिन जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस मेथी, घुटने का दर्द है ना, दादी माँ को या माँ को पिताजी किसी को भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ मेथी की पट्टी लगा दीजिए, यहाँ मेथी की पट्टी लगा दीजिए। कंधे में दर्द है तो आप सिंपल सा ये लगाइए, इंडेक्स फिंगर पकड़िए और नीचे वाले जॉइंट, कंधे का जॉइंट है ना, सबसे आसान थेरेपी में तो प्रोफेसर पार्क जी को हमें बार बार नमन नमस्कार प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने ऐसे अद्भुत चिकित्सा पद्धति समाज के सामने रखी है। तो साथियों मेरे ख्याल से आप ये सब समझ गए होंगे, अगले कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे एब्डोमिनल नाभि डायफ्राम से नीचे वाले पार्ट, अपर एब्डोमिनल और लोअर एब्डोमिनल, दो अलग अलग पार्ट में चर्चा करेंगे हम लोग, आनंद आएगा आपको, आप देखते रहिए इसको और समझते रहिए, सीखते रहिए, आपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज, क्यों ये ज्ञान जन जन तक पहुंचनी चाहिए, सभी तक पहुंचनी चाहिए और हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि सभी लोग इसे सीखें समझें और इसका लाभ उठाएं। उम्मीद है यदि आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर करेंगे और अन्य लोग अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इससे लाभान्वित करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।